ओम श्री साई राम। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको साई राम। आज के कार्यक्रम का आगाज मैं जनाब मिराज फैजाबादी की चार लाइनों से करना चाहूंगा कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफी के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। दोस्तों, अपनी यादों के गुलदस्ते में से आज हम एक और सुनहरी याद आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इससे पहले कि ये याद के बारे में मैं कुछ बताऊं, मैं आपको इस याद के बारे में कुछ बैकग्राउंड देना चाहूंगा। ये बात 1 अप्रैल 2010 की है। जी हाँ, बिल्कुल सही, वही टाइम जब भगवान बाबा का दिल्ली आना तय हुआ था। श्री सत्यसाई इंटरनेशनल सेंटर को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था और चारों तरफ खुशी और फेस्टिविटी का माहौल था। हर डिवोटी बड़ी बेसब्री से भगवान बाबा के आने का इंतजार कर रहा था और आखिर वो दिन आ ही गया। 9 अप्रैल 2010 जब भगवान बाबा ने दिल्ली में अपने चरण रखे। भगवान बाबा श्री सत्यसाई इंटरनेशनल सेंटर में ही ठहरे थे और दिल्ली एनसीआर के श्री सत्यसाई सेवा संगठन के हर एक विंग ने भगवान बाबा के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया था। दिल्ली के यूथ विंग ने भी भगवान बाबा के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया था। ये था एक नाटक जो श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित था और इसको लिखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इस नाटक का शीर्षक था लाइफ इज अ गेम प्लेड। और दोस्तों, क्योंकि भगवान बाबा श्री सत्यसाई इंटरनेशनल सेंटर में ठहरे थे, इसीलिए इस कार्यक्रम का मंचन दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में होना तय हुआ था। तो इस नाटक का मंचन 11 अप्रैल 2010 को मावलंकर ऑडिटोरियम में हुआ। दोस्तों, हर डिवोटी का भगवान के साथ एक रिश्ता होता है और हर डिवोटी के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। वो दुहा भी है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि कहे सुनहि सब संता। दोस्तों, नाटक में जितना महत्वपूर्ण रोल पर्दे के सामने वाले कलाकारों का होता है, उतना ही महत्वपूर्ण रोल पर्दे के पीछे के कलाकारों का भी होता है, जैसे साउंड, लाइट, वॉइस ओवर आदि। पर्दे के पीछे के कलाकार श्रोताओं के सामने तो नहीं आते, पर भगवान बाबा उनसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पर्दे के सामने वाले कलाकारों से। इस बात पर मुझे जनाब वसीम बरेलवी साहब की एक शेर याद आ गया कि पिछली सफ में ही सही, पिछ सफ मतलब लाइन, पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में, आप चाहेंगे तो क्यों ना दिखाई दे। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम का आगाज ऐसे ही एक कलाकार के एक्सपीरियंस से करेंगे। इनका नाम है श्रीमती विपिन मोहन, एक बहुत ही सीनियर सेवादल मेंबर हैं और इनको हम प्यार से मोहन आंटी भी कहते हैं। इस नाटक में एक किरदार है माया शर्मा और माया शर्मा का वॉइस ओवर मोहन आंटी ने दिया था। आइए सुनते हैं मोहन आंटी के एक्सपीरियंस को। स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको साई राम। आज से 10 साल पहले संजीव सलूजा का फोन आया था कि आंटी, स्वामी आ रहे हैं अप्रैल में, उनके सामने दिल्ली यूथ प्ले कर रहा है लाइफ इज अ गेम प्ले इट, तो हम चाहते हैं उस प्ले के लिए आपकी आवाज़ में डबिंग की जाए। उस टाइम तो मैंने हाँ कर दी, पर बाद में सोचा क्या मैं रोल के साथ जस्टिस कर पाऊंगी, मेरी आवाज़ से भगवान क्या रिएक्शन होगा। सोचा छोटा सा रोल है, अपने आप ही स्वामी करवाएंगे। पर जब स्क्रिप्ट आया तो रोल तो काफ़ी लंबा था, अब हाथ पांव ठंडे होने लगे। सोचा
स्वामी को सरेंडर कर देती हूँ, वही चुनने वाले हैं, वही करवाने वाले हैं, हम तो केवल एक माध्यम ही हैं। जब ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो एक डायलॉग था जिसमें मुझे रोना था। दो तीन बार बुलवाया गया तो मैं बीपी पेशेंट हूँ, मेरा बीपी बढ़ गया। मैंने कहा भाई मैं इससे ज़्यादा तो नहीं रो सकती, तो सब हंस दिए। सब बॉयज़ जंगपुरा रिकॉर्डिंग के लिए आते थे, उनमें मैं सबसे सीनियर मोस्ट थी, एक परिवार का माहौल बन गया था। सब लोग खाना लाते थे और हम लोग मिल बांट के खाते थे। बच्चे अपने लाइफ एक्सपीरियंस, स्वामी के साथ बिताए हुए दिनों की बातें करते थे। संजीव ने बहुत ही सुंदर संवाद लिखे, रिकॉर्डिंग इतनी परफेक्ट होती थी कि छोटे छोटे शब्दों के उच्चारण पर भी ध्यान दिया जाता था। रिहर्सल कई बार करनी पड़ती थी। भगवान सी ग्रेस से मेरी रिकॉर्डिंग ठीक हो गई। बच्चों ने बहुत ही तैयारी से मेहनत की। आखिर वो दिन भी आया, 11 अप्रैल 2010 को भगवान के सामने प्रे करना था। सेवा दल ऑडिटोरियम के लिए चुना जा रहा था और मेरा कहीं नाम नहीं था। मैं जाना चाहती थी, देखना चाहती थी कि मेरे डायलॉग पे स्वामी का क्या रिएक्शन होता है। भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान मुझे बुला लो, मुझे किसी तरह बुला लो। खैर सेवा दल की ड्यूटी दी गई और मुझे अगले ब्लॉक में बिठाया गया जहाँ से मैं स्वामी के हाव भाव देख सकती थी। मुझे लगा जन्नत मिल गई। और परीक्षा का तो अभी समय आना था। मन में साईं राम का जाप करती रही तो प्ले शुरू हुआ। मैंने सांस रोकी, दिल धड़का, अरे ये क्या, मेरे डायलॉग पे भगवान मुस्कुराए, मुझे तो यही स्वर्ग मिल गया। स्वामी की एक मुस्कुराहट पर हजारों दुआएं कुर्बान। मैं सातवें आसमान पे थी, पीछे से आवाजें आ रही थी, मिसिस मोहन की आवाज लगती है। चिल्ड्रन वर्कड वेरी हार्ड फॉर द रिस्पेक्टिव रोल्स, निशांत एज माया, कपिल एज कृष्णा, विकास एज अर्जुन लुक्ड एवरी इंच इन देयर रोल। अ वेल रिटन स्टोरी एंड स्क्रिप्टेड बाय संजीव सलूजा, डायरेक्टेड बाय अरुण चौधरी वॉज अ होलसम एंटरटेनमेंट विद मैसेज। आई प्रे टू स्वामी टू ब्लेस होल कास्ट हु वर द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप इन देयर लाइफ। इट हैज बीन अ फुलफिलिंग ड्रीम फॉर मी। थैंक्स साईं राम। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि भगवान बाबा जब किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर कभी नहीं छोड़ते। ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस था श्री रविंद्र मिश्रा जी का। श्री रविंद्र मिश्रा ने इस नाटक में लाइट और साउंड दिया था। श्री रविंद्र मिश्रा दिल्ली के थिएटर सर्कल में बहुत ही जाना माना नाम है और वो इतने बिजी रहते हैं कि उनकी डेट मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मिश्रा जी हमारा एक नाटक है 11 अप्रैल को मामलकर ऑडिटोरियम में और हम चाहेंगे कि लाइट और साउंड आप करें। उन्होंने अपनी डायरी देखी और कहा कि वो 11 अप्रैल को दिल्ली में नहीं है, लखनऊ में किसी नाटक में बिजी है। मैं बहुत हताश हो गया। मैंने भगवान से प्रार्थना करी और फिर एक बार दोबारा से उनसे बोला कि मिश्रा जी ये भगवान श्री सत्य साई बाबा के लिए नाटक होने जा रहा है और वो दिल्ली आ रहे हैं और वो इस नाटक को देखेंगे। मिश्रा जी ने मेरी तरफ देखा और कुछ सोचा और कहा कोई बात नहीं, इस नाटक में मैं लाइट और साउंड जरूर दूंगा। उसके बाद बात आई उनकी पेमेंट की। तो दोस्तों जाहिर है कि वो जब अपने काम में इतने माहिर हैं तो उनके रेट्स भी बहुत हाई हैं। पर मैंने उनसे कहा कि शायद इतना ज्यादा तो हम नहीं दे पाएंगे। उन्होंने हंसकर मेरी तरफ देखा और बोला कि संजीव जी पैसे की बात नहीं है, आप जो कुछ भी देंगे मैं भगवान का प्रसाद समझ के ले लूंगा। इस बात पर मुझे जनाब मिराज फैजाबादी साहब की चार लाइनें याद आती हैं कि अंधे ख्वाबों को असूलों का तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को असूलों का तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, एक टकरा भी समंदर है
गलतू दे दे। दोस्तों, मिश्रा जी ने इस नाटक में लाइट और साउंड दिया। आइए सुनते हैं मिश्रा जी के भगवान के साथ क्या एक्सपीरियंस। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र मिश्रा है। मैं सत्य साईं बाबा के आश्रम आज के 20 साल पहले गया था रामलीला लेकर। वहाँ रामलीला हुआ, उसमें मैं लाइट किया था। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो बाबा सबको दर्शन दिए, सबको दर्शन मिला। आश्रम देखकर बहुत अच्छा लगा और मेरा सौभाग्य था कि वहाँ जाने का मुझे अवसर मिला। फिर बाबा 20 साल के बाद मुझे फिर दिल्ली में एक मौका मिला। दिल्ली आए बाबा, मौलंकर ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें बाबा आए थे। वहाँ पर एक नाटक था 45 मिनट का, जिसमें संजीव सलूजा जी डायरेक्शन किए थे। और उस डायरेक्शन के साथ साथ मुझे लाइट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं उसमें लाइट किया। और लाइट के साथ साथ मुझे बाबा के दर्शन हुए। बाबा का दर्शन पा के मैं बहुत कृतार्थ हो गया, क्योंकि बाबा के सामने ही मैं अपना कंट्रोल रूम बनाया था। बिल्कुल सामने ही बाबा को देखता रहा। मेरा बहुत सौभाग्य था कि बाबा के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। दोस्तों, नाटक एक टीम वर्क होता है और हर कलाकार को अपने रोल को बखूबी निभाना पड़ता है। इस नाटक में भी हर कलाकार ने बहुत मेहनत करी और अपने रोल को बखूबी निभाया। ऐसे ही एक कलाकार हैं ब्रदर कपिल जावा। आइए सुनते हैं ब्रदर कपिल के एक्सपीरियंसेस को। श्री साईराम, इट्स एक्चुअली बीन 10 इयर्स, ऑलमोस्ट अ डेकेड सिंस वी एनएक्टेड द ड्रामा in front of Swami. Truly, I think blessing that Swami gave to all of us to be part of this. And I actually still very clearly remember, it was one Sunday evening, almost I think 2 months before Swami came to Delhi, that I visited Sai Center. And after the bhajans I came out, I just bumped into Shyam brother, and he told me, "Hey, why don't you just go down? There are some, there's a practice session. People, I think few of the youth have caught up to discuss the drama." And with a lot of hesitation, no desire of actually taking part in the drama, I just went down. And there was, I just went down and I got my hands on the script of the drama, which, and I started reading the script. And as I read a few pages of the script, I just realized the script had answers to all the questions and dilemmas which I had been going in my head for the last few months. And at that moment I realized that, while the script was written by our dear Saluja ji, who did a fabulous job of putting that script together, but the real inspiration, the real director and the real writer was actually Swami himself. And through the script, he was giving me answers to the questions which had been bothering me. So at that very moment, I realized that I'm going to take part in this drama. It couldn't have been a clearer message from Swami to me. And once he wills it, I think things just happen. So over the next 2 months, I think my work pressure eased. I could take time out to take part in the drama. And I think it was beautiful the way, the drama came out. I think all of us who were from the actors and the people who participated were different age groups, but we bonded so well in the drama. And, every day at the end of the sessions, practice sessions, we would all get together. We would have some, experience sharing sessions as to how Swami has touched lives of each one of us in his unique ways. And when the final day came, actually, when Swami came to the auditorium to watch the rehearsal, it was such a blessing. Just before the drama started, he came at the backstage, blessed all of us, looked at each one of us,
and very, very clearly he looked, and you know, each one of our eyes. And then finally, you know, I think it's the drama happened. He really enjoyed himself throughout the whole drama. He was laughing. He had, you know, there is this amazing character, Mrs. Maya Sharma, and we had some really nice songs. Like we had the song "Kyu Paisa Paisa Kyu Karti Hai," and that song played, Swami Swami was in splits. So it was beautiful, I think. And you know, I know that Swami didn't come to give us a picture at the end of the drama, but the memories that he gave through that drama, the blessings that he gave, I think those are eternal. The drama was based on the message of Bhagavad Gita. The message of Bhagavad Gita is eternal, and the message of this drama also for all of us is eternal. I remember there's a very there's a line in the drama in which I end up saying that whatever happens in this life happens by His will. Not even a blade of grass can move without His will. And I feel this drama happened purely by His will, and His blessing still lasts in our hearts. Thank you. Dosto, मेरा मानना है कि भगवान से हमारा प्रेम अनकंडीशनल होना चाहिए और पागलपन की हद तक होना चाहिए. और जब हमारा प्रेम भगवान से अनकंडीशनल होगा और हमारी प्रेयर जेन्युइन होगी, तो हम जो भी मांगेंगे भगवान वो हमें जरूर देंगे. मुझे जनाब वसीम बरेली साहब की दो लाइनें याद आती हैं कि मोहब्बत में तलब कैसी, मोहब्बत में तलब कैसी, वफादारी की शर्तें क्या, वो मेरा हो ना हो मैं तो उसी का होके छोड़ूंगा. और ऐसा ही कुछ प्रेम था हमारे भाई ब्रदर तरंग कपूर का. आइए सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस. ओम श्री साई राम. आई ऑफर माय सेल्फ एट द डिवाइन लोटस फीट ऑफ माय मोस्ट बिलव्ड भगवान. Going back in time to life is a game played, wherein I was a member of the dance group which was part of the play. I sincerely feel that this was the beginning of a turning point in my life. At that time I had been yearning for Swami for quite some time. And this was like an answer to my prayers, because it was through this divine opportunity that I came closer to Swami after many years. And not only was this opportunity, and this opportunity just served to increase my yearning to come even further closer to Swami, which was subsequently answered after a month when I was blessed with the divine opportunity to be a student in Swami's institute. And as I said that this was the beginning of a turning point, the next blessing came when I got the when I entered the Prashanti dance group, which was possible actually because this particular dance in Life is a Game played actually equipped me. It gave me the confidence to showcase my skills as a dancer during the auditioning of the Prashanti dance group. Through that, being a member of the Prashanti dance group actually gave me the opportunity to perform many more times before Swami. So there is one lesson in this entire episode, for me at least, that is that God is listening, and it's just that we need to pray hard, and He will definitely respond to our yearning, especially when it's for Him. Another message that I would like to speak at this point in time is
the motto of the Prashanti dance group, which is dancing to his tunes, implies that we must put God first in our life, think as to what would actually make him happy, what would make Swami happy, what would bring a smile to Swami's face. It could be a small act of kindness, or it could be just, you know, every action that we do in our life. So trying to put him first and seeing what would please him, I think that would be a message that I personally am trying to learn, and which maybe started at the point and which was reinforced in me through this played Life is a Game played. Thank you, Saira. दोस्तों, इस नाटक की रिहर्सल तकरीबन 2 महीने चली। हम श्री सत्यसाई इंटरनेशनल सेंटर में रिहर्सल किया करते थे, और जब खाली समय होता था तो सब एक दूसरे के साथ अपने और अपने फैमिली के भगवान के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया करते थे। इसी को तो सत्संग कहते हैं। इस बात पर मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आती है, अब मोहे भ भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। दोस्तों, ऐसे ही दो हमारे कलाकार ब्रदर रजत और ब्रदर अमन। ब्रदर रजत ने मुत्तु स्वामी का रोल अदा किया और ब्रदर अमन ने भगवान श्री कृष्ण का रोल अदा किया। ये दोनों ब्रदर्स अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ रोज शेयर किया करते थे। आइए सुने इनके भी एक्सपीरियंस। ओम श्री साई राम। स्वामी विजिटेड दिल्ली इन द ईयर 2010 एंड साई यूथ ऑफ दिल्ली हैड प्रिपेयर्ड अ ड्रामा व्हिच वाज बेस्ड ऑन गीतास टीचिंग एंड इट्स रेलेवेंस इन टुडेज टाइम। द टाइटल ऑफ द प्ले वाज बेस्ड ऑन वन ऑफ द फेवरेट कोट्स ऑफ स्वामी, Life is a game, play it. The meaning of the title is so deep and yet simple. We consider our lives to be very complicated, but in fact, it is just a game that we need to play it. What do you think, Aman? Om Sai Ram. Our family has been devoted to Swami for the last 50 years. I remember getting a call from Sanjeev Bhaiya in 2010. I had my final exams and I was given an opportunity to audition for this role. I knew it was a lifetime opportunity and I could not afford to miss it. Though it was a difficult task to prepare for my exams and to come and practice for the play every day. As it is rightly said, the entire creation is a sport or leela of God. The universe is a stage and we are all just actors in God's cosmic drama. I remember this one incident of when Swami had called me, and I had so many questions in my mind that I would go and ask Swami. But in that moment when you're facing him, when you're sitting right next to him, the aura is so magical, it is so pure that everything else just goes blank. I remember I had so many things I wanted to speak to him about, so many questions in my head, and I was completely blank. That moment froze in my head forever. That memory is still as it is today. So magical, yet so divine. Even I too had many fond memories associated. I remember there was a scene wherein I was praying to Lord Krishna to help me and guide me the way he guided Arjuna. When I read the script, I was so thrilled that I will get a chance to look at Swami one to one and will pray to him. What a blessing! This is a prayer that each one of us have it in our hearts, and praying to him when he's physically present right in front of you. Sairam. Dosto, Bhagwan Baba ko ye natak bahut pasand aaya. उन्होंने न केवल इस नाटक को सराहा बल्कि इस नाटक से जुड़े हर कलाकार को बहुत ब्लेस किया। इस बात पर मुझे
कुंवर बेचैन जी का एक शेर याद आ रहा है कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। मैं आशा करता हूं आपको भी ये नाटक उतना ही पसंद आएगा। सायरा।